सभी स्टूडेंट क्लास ज्वाइन करें। ये हमारी वर्कशॉप टेक्नोलॉजी सेकंड की क्लास है, यूनिट हम फिफ्थ हमारी चल रही है और ये फोर्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स की क्लास है। तो सभी स्टूडेंट्स जो क्लास चैनसो सत्यम, ये दो स्टूडेंट क्लास ज्वाइन कर चुके हैं। बेटा आप सभी दूसरे साथियों को इन्फॉर्म करो कि क्लास स्टार्ट है, क्लास ज्वाइन करें। अपने सभी दूसरे साथियों को बुलाइए। उमेश, भगत सिंह, चैनसुख, सत्यम, बेटा सभी दूसरे छात्रों को बुलाओ। कृष्ण सौरभ, गुड आफ्टरनून टू ऑल। सभी बच्चे अपने दूसरे साथियों को जरूर बुलाते रहें। अगर अभी तक के जितने भी क्लासेज हमारे हुई हैं वर्कशॉप टेक्नोलॉजी की, किसी को कोई डाउट्स हो तो वो कमेंट कर सकता है, तब तक हम आपके डाउट्स ले लेंगे। बेटा मैंने एक आपको AICT का वीडियो अपलोड किया है, उस पर रजिस्ट्रेशन करें। सभी को बताएं, जितने भी आपके साथी हैं, चाहे वो किसी भी कॉलेज में हो, डिग्री में हो, डिप्लोमा में हो, उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर करें, उनको इन्फॉर्म करें, वो जल्दी से जल्दी अपना उस पर भी रजिस्ट्रेशन कर दें साथ के साथ। और जब तक हम क्लास शुरू नहीं करते, सारे बच्चे नहीं आते, तब तक आपका कोई भी क्वेश्चंस हो किसी के भी रिगार्डिंग, आप अपना कमेंट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है वो व्हाट्सएप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, आपका कोई जनरल क्वेश्चंस हो तो उसकी का भी हम यहाँ पे रिप्लाई करेंगे आपको। रोहित निगम, बेटा गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। समझ में आप आइए, आपका कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चंस है, कुछ पूछना चाहते हो आप, वो कमेंट कर सकते हैं, तब तक हमारे सारे बच्चे आते हैं, क्योंकि अभी ओनली 4 स्टूडेंट्स हमारे क्लास में के साथ जुड़े हुए हैं। अब टोटल स्टूडेंट 5 हो गए हैं हमारे। हमारे पास 5 स्टूडेंट अभी तक ज्वाइन हो कर चुके हैं और यहाँ पे हम अपने लाइव स्टूडेंट की संख्या यहाँ पे लिखते रहेंगे रेड कलर से। 5 स्टूडेंट हमारे साथ अभी लाइव हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स लाइव हैं बेटा, आप अपने दूसरे साथियों को इन्फॉर्म ज़रूर करें। 6 हो चुके हैं स्टूडेंट बढ़ के। अगर 6 बच्चे यहाँ पे, दो दो बच्चे भी यहाँ पे लाते हैं, अभी हमारे पास 6 हैं, अगर 6 बच्चे जो लगे हो, अगर दो दो बच्चों को भी ज्वाइन करवाते हैं तो 18 स्टूडेंट हमारे क्लास में हो जाएंगे। तो एक बार सभी स्टूडेंट मैसेज करें, एक अपने साथियों को कॉल करके ज़रूर बुलाएं जल्दी से। 2 से 3 मिनट हम बेटा वेट करेंगे सभी का, तब तक हम बच्चों के जनरल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपका कोई भी डाउट्स आप कमेंट करिए, उसका जवाब हम तब तक देंगे। बेटा ग्रुप में इन्फॉर्मेशन कर देने से, और अगर ये बच्चे आते तो ग्रुप में इन्फॉर्मेशन तो मैं भी करता हूँ। आप सभी अपने साथियों से बात करें कि बेटा क्लासेज कितनी इम्पोर्टेंट है। आप सभी फ़ोन करते हो, व्हाट्सएप चैट करते होंगे, तो उनको बोलो कि क्लासेज ज़रूर लगाए करें। देखो आपकी, मुझे तो लगता तो नहीं है कि पूरे दिन आपकी क्लासेस चलती हैं, लेकिन जो क्लासेस चल रही हैं उनको तो लगाइए कम से कम। स्टूडेंट की संख्या बढ़कर 8 हो चुकी है, बहुत अच्छी।
और भी ये जो बच्चे जुड़ रहे हैं, दूसरे बच्चों को जल्दी से जल्दी बुलाएं बेटा। 2 मिनट बाद हम क्लास शुरू कर देंगे, चाहे कोई ज्वाइन करे या ना करे, ठीक है। आठ स्टूडेंट हमारे साथ अभी लाइव क्लास में हैं, ये अमन, संदीप, रोहित, कृष्ण, उमेश, ये सभी छात्र। बेटा दूसरे बच्चों को एक बार आप जरूर इन्फॉर्म करो, एक बार कॉल कर लो, चाहे आपको क्लास छोड़ के दोबारा से ज्वाइन करनी पड़े, लेकिन 2 मिनट के भीतर भीतर एक दो बच्चों को आप कॉल करो, मैसेज करो, क्योंकि टीचर्स के मैसेज तो आप पढ़ते नहीं हो, कम से कम आप अपने साथियों के, आपके मैसेज तो वो पढ़ेंगे, क्योंकि टीचर जो आपको बताते हैं वो तो सही नहीं बताते, उसकी इन्फॉर्मेशन से आपका फ़ायदा हो जाएगा, और फ़ायदे वाली इन्फॉर्मेशन आप पढ़ते ही नहीं हो। ये आपने ठाना हुआ है कि हमें जो हमारे फ़ायदे के लिए होगा वो बातें हमें ना पढ़नी है, ना सुननी है, ना समझनी है। आपका एम मेन टारगेट क्या है? टीचर्स की नहीं सुनना। तो इसलिए बेटा 2 मिनट के अंदर, अब हमारे पास सिर्फ 6 स्टूडेंट अभी हैं क्लास में, 2 मिनट के बाद हम क्लास शुरू करेंगे, चाहे एक बच्चा रहे या एक भी ना रहे या सारे बच्चे रहें। अब हमारे पास ओनली 5 स्टूडेंट है। सेवन 27 सेकेंड्स हमारी क्लास को शुरू हो गए हैं, जैसे ही 10 मिनट हो जाएंगे हमारी क्लास को, मीन्स 2.5 मिनट बाद, एग्जैक्ट 2 मिनट 20 सेकेंड बाद हम क्लास शुरू करेंगे। जिस तरह से IPL में टाइम चलता है 2.5 मिनट का, इसी तरह से यहाँ पे भी अब सिर्फ 2 मिनट और 17 सेकेंड का टाइम बाकी है। अब आप रिवर्स काउंटिंग शुरू करते रहिए, 2 मिनट 10 सेकेंड, अब सिर्फ 2 मिनट आपके पास हैं ज्वाइन करने के लिए, इसके बाद हम क्लास शुरू कर देंगे। स्टूडेंट की संख्या अगेन 8 पहुंच चुकी है, और अभी भी आपके पास 1 मिनट 46 सेकंड है। एक मिनट और 15 सेकंड्स आपके पास टाइम है क्लास ज्वाइन करने का, उसके बाद क्लास शुरू है। क्लास शुरू करते हैं, तो सबसे पहले आप अपनी अटेंडेंस बोलिए, क्योंकि बच्चे बाद में आते हैं क्लास ज्वाइन करने के टाइम पर, अटेंडेंस लगवाने की कोशिश करते हैं, तो अटेंडेंस सिर्फ इन्हीं स्टूडेंट्स की लगेगी। सभी अटेंडेंस बोलो, ओनली 4th सेमेस्टर, ओनली 4th सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर वाले रोल नंबर कमेंट करेंगे। इसके अलावा किसी ने कमेंट किया तो ध्यान रखना। वन 0 3 79 Datel 24, Datel 3, Datel 28। बेटा 8 बच्चे हैं, 5 बच्चों की अटेंडेंस हो चुकी है। Datel 30, वेरी गुड, 6 13 Datel से,
102 बेटा लोकेश, मुझे नहीं पता तेरा रोल नंबर क्या है, ठीक है। तुम्हारे पास 37, ओके। सभी की अटेंडेंस हो चुकी है, अब हम क्लास शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बेटा, आप किसी की कोई अटेंडेंस नहीं होगी, सभी बच्चों की अटेंडेंस हो चुकी है, हम क्लास शुरू करते हैं। तो लिखिए, प्रिंसिपल पार्ट्स ऑफ शेपिंग मशीन। बेटा ये आसिफ तो एक बार बोला कि जैसे ही क्लास शुरू हो जाए उसके बाद कमेंट नहीं करना है। देखो, प्रिंसिपल पार्ट ऑफ शेपिंग मशीन, ठीक है। प्रिंसिपल पार्ट्स ऑफ, बेटा लोकेश तूने अभी एक सेकंड पहले भी कमेंट किया है ना, बार बार क्यों कर रहा है। तो सभी डायग्राम बनाएंगे। देखो सबसे पहले होता है बेस, ये क्या होता है बेस, क्लियर है। ये बेटा आपके टेबल साथ साथ बनाते रहें, ये टेबल सपोर्ट है, ये आपका टेबल सपोर्ट है। बाकी डायग्राम आप बुक से भी देख सकते हो।
जिस तरह से आप इसको बनाते रहेंगे साथ साथ। डायग्राम आप बुक से देख लें, लेकिन ये रफ डायग्राम है आपको सारे पार्ट से समझाने के लिए है। देखो इसमें यहाँ पे थ्रेडिंग होंगी और इस चीज़ को बोला जाता है एलिवेटिंग स्क्रू। क्लियर है? ये क्या है पुली? ये आपकी पुली है। फीड डिस्क कॉलम है, ये फीड डिस्क कॉलम। ये आपकी रैम। ये क्या है? पोजीशन ऑफ स्ट्रोक। एडजस्टमेंट हैंड व्हील, एडजस्टमेंट हैंड व्हील। ये डाउन फीड हैंड व्हील, ये जो है ये आपका है, इसको लिख सकती हो फीड व्हील। क्लियर है? ये टेबल हो गई, ये हो गई, ये आपका बेस हो गया, ये मेन इसके पार्ट्स हैं। ये क्लैंपिंग है, क्लैंपिंग। क्लियर है? व्हाइट बोर्ड थोड़ा बेटा छोटा है, डायग्राम थोड़ा बड़ा है, इसलिए आप थोड़ा डायग्राम बुक से भी हेल्प लें अपनी। अब हम बात करते हैं इसके मेन पार्ट्स की। तो लिखिए फर्स्ट, सबसे पहला फर्स्ट पार्ट आपका बेस। बेस आपका आप हम इसके डायग्राम को बताएंगे। जो ये वाला पोर्शन था नीचे, इसी को क्या बोला जाता था? बेस। क्लियर है? और इसी पे क्या माउंटेड था आपकी? टेबल सपोर्ट। क्लियर है? और एलिवेटिंग स्क्रू। आपको डायग्राम अब हम क्लियर कराते चलेंगे। यहाँ पे थ्रेडिंग थी इसमें, तो ये क्या है? ये है बेस, जिस पे सारी चीज़ माउंटेड है। आया समझ में? तो लिखो इसमें बेस। इट कंसिस्ट ए हैवी इट कंसिस्ट ए हैवी रोबस्ट कास्ट आयरन स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट ऑल अदर पार्ट्स। क्लियर है? ऑफ द मशीन क्लियर है? और ये किस पे पेस्ट होता है? फाउंडेशन पे, फिक्स ऑन फाउंडेशन। विद बोल्ट, फाउंडेशन पे बेस जो फिक्स होता है और बोल्ट की हेल्प से फिक्स होता है फाउंडेशन पे। नेक्स्ट है कॉलमन। तो कॉलमन क्या होते हैं? देखो बेटा, ये जो बेस, ये आपका मान लो फ्लोर है, तो बेस इस तरह से होता है। क्लियर है आपका? तो जो ये चीज होती है, इस चीज को बोला जाता है कॉलमन। कॉलमन मीन्स वर्टिकल, वर्टिकल जो चीज मिलेगी वो चीज क्या कहलाती है आपकी? कॉलमन। हॉरिजॉन्टल नहीं, जबकि वर्टिकल। जिस तरह से आपके आपने देखा होगा बेड था, क्या था? बेड था। किसमें? जिनको हम बोलते थे लेग।
लेग भी एक तरह के क्या थे, लेथ मशीन में कॉलमन थे, क्लियर है? तो नेक्स्ट लिखो कॉलमन, आया समझ में? बेटा हजीबुल हसन, तू सुबह अप्लाइड मैकेनिक्स की मैं क्लास में बार बार कमेंट कर रहा था, तुझे समझ में नहीं आता क्या? या तूने डिस्टरबेंस क्रिएट करने की कमन बना रखा है, किसी की सुनेगा भी नहीं तू, जब तेरा मन करता है तो उठा के कमेंट कर देना शुरू कर देता है। तुझे पढ़ना है या नहीं पढ़ना, या दूसरे बच्चों को डिस्टरबेंस ही करता रहेगा हर क्लास में? बेटा जो तेरी क्लास है उसी में लिया कर, दूसरी क्लास में अगर तूने अपना रोल नंबर कमेंट किया ना तो मुझे ब्लॉक करना पड़ेगा। तू इसी तरह से तू अप्लाइड मैकेनिक्स की क्लास में कर रहा था, अब तू वर्कशॉप में, तो जो सेमिस्टरों की क्लास लिया कर तू, और दूसरे किसी की क्लास लेता है तो चुपचाप क्लास अटेंड कर लिया कर, कमेंट मत किया कर रोल नंबर। तुझे ये कि इसी तरह से डिस्टरबेंस क्रिएट करनी है तो मुझे ब्लॉक कर दूंगा बेटा मैं, नुकसान तेरा होगा, समझ रही? तेरे को लास्ट टाइम वार्न कर रहा हूं मैं, तो नहीं समझ में नहीं आती तुम्हारी, बस डिस्टरबेंस क्रिएट करनी, इट इज ए बॉक्स। लाइक मेन कास्टिंग, ऑफ द सेपर विच इज होलो फ्रॉम इनसाइड, फ्रॉम इनसाइड, क्लियर है? इट इज सपोर्टेड ऑन बेस, इट इज सपोर्टेड ऑन बेस, क्लियर है? आगे लिखो, ऑन द टॉप ऑफ द कॉलमन गाइड वी आर मेड इन विच द रैम रेसिप्रोकेट, रैम रेसिप्रोकेट, रेसिप्रोकेट्स मीन मोशन करना इन रेसिप्रोकेटिंग मोशन, क्लियर है? क्रॉस रेल, थर्ड लिखो क्रॉस रेल, हैवी कास्ट आयरन बॉडी अटैच टू द कॉलम ऑफ शेपिंग मशीन, लिखो, इट इज ए हैवी कास्ट आयरन बॉडी अटैच टू द कॉलमन ऑफ ए शेपिंग मशीन, शेपिंग मशीन। नेक्स्ट लिखो, पर्पज ऑफ क्रॉस रेल, क्रॉस रेल, इसके क्या क्या पर्पज होती है? तो इसके दो पर्पज होते हैं, नंबर एक इट हेल्प इन एलिवेटिंग द टेबल ओवर द कॉलमन इन द अपवर्ड डायरेक्शन, इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है? सेकंड लिखो, द टेबल कैन बी मूव्ड इन ए डायरेक्शन perpendicular to the
एक्सिस ऑफ द आर्म एज ऑफ रैम ओवर दिस क्रॉस पे। क्लियर है? नेक्स्ट लिखो सैडल। नेक्स्ट लिखो सैडल। इट इज माउंटेड ऑन क्रॉस रेल। इट कैन बी मूव्ड हॉरिजॉन्टली। By hand with cross feed screw। क्लियर है? नेक्स्ट लिखो टेबल। तो बेटा टेबल के बारे में मुझे नहीं लगता कि बताना चाहिए। टेबल क्या होती है? बॉस टाइप कंस्ट्रक्शन ऑफ टी स्लॉट कट ऑन इट एंड होल्ड द वाइस एंड। क्लियर है? इट होल्ड एंड सपोर्ट द वर्क पीस ड्यूरिंग ऑपरेशन। इट कैन मूव्ड हॉरिजॉन्टली बाय ए क्रॉस रेल मैकेनिज्म टू प्रोवाइड फीड टू द वर्क पीस। क्लियर है? और एक किस पे माउंटेड होती है? सैडल पे। लिखो रैम। तो टेबल के बारे में लिखवाना है। लिखवा देता हूँ तो लिखो इट इज ए बॉक्स टाइप कंस्ट्रक्शन विद। टेबल में लिखो इट इज ए बॉक्स टाइप कंस्ट्रक्शन विद टी स्लॉट कट ऑन इट टू होल्ड द वाइस एंड जो इट होल्ड एंड सपोर्ट द वर्क पीस। ड्यूरिंग ऑपरेशन। क्लियर है? इट कैन मूव्ड हॉरिजॉन्टली बाई ए क्रॉस मैकेनिज्म। क्लियर है? टू प्रोवाइड फीड टू द वर्क पीस। ओके। नेक्स्ट लिखो द टेबल इज माउंटेड। इसी में है द टेबल इज माउंटेड ऑन द सैडल। द टू टाइप्स ऑफ वर्क टेबल कॉमनली यूज्ड। क्लियर है? लिखो रैम। नेक्स्ट हेडिंग है रैम। सिक्स्थ रैम मीन रेसिप्रोकेटिंग पार्ट ऑफ सेपर।
लिखो रैम में, इट इज द रेसिप्रोकेटिंग पार्ट ऑफ द शेपर एंड कैरीज द शेपर हेड इन फ्रंट ऑफ इट, इन फ्रंट ऑफ इट। क्लियर है? नेक्स्ट लिखो, इट रेसिप्रोकेट इन द गाइडवेज टू गिव स्ट्रेट लाइन रेसिप्रोकेटिंग मोशन, रेसिप्रोकेटिंग मोशन। क्लियर? दैट मीन मोशन आपकी कैसी की स्ट्रेट लाइन में, इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच। ठीक है, टूल हेड आपको पता ही है। टूल हेड कहाँ होता है? रैम। मान लो ये आपकी रैम है, तो रैम पे यहाँ क्या होगा? टूल हेड। टूल हेड तो लिखो टूल हेड। तो टूल हेड क्या? द टूल हेड होल्ड द कटिंग टूल एंड इज फास्टन्ड टू द फ्रंट ऑफ द रैम। क्लियर? द टूल इज हेल्ड इन ए टूल पोस्ट। टूल किस में फिक्स होता है? टूल पोस्ट में। सिमिलर टू लेथ, लेथ मशीन। क्लियर? नेक्स्ट सेपर हेड। सेपर हेड मीन टूल साइड, टूल पोस्ट एंड क्लैपर बॉक्स इज क्लैम्प्ड फर्मली टू द फ्रंट ऑफ रैम। ओके, तो ये बेसिक पार्ट्स थे। इसके नेक्स्ट हेडिंग है साइज एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ सेपर। देखो, साइज एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ सेपर। तो इसमें लिखो द साइज ऑफ ए सेपर इज गिवन बाय द मैक्सिमम मूवमेंट ऑफ द रैम, ऑफ द रैम। क्लियर है? देखो बेटा, लेथ मशीन और शेपिंग मशीन के बीच में डिफरेंस है। ये आपके लिए होमवर्क है। देखो, होमवर्क नोट कर लो। डिफरेंस बिटवीन, क्योंकि मैंने लेथ भी आपको बता दी है, लेथ एंड शेपर, और सेपर भी मैं आपको करा चुका हूँ, तो आपको ये डिफरेंस होमवर्क है आपका।
इसके अलावा जो थोड़ी बहुत थ्योरी है वो आप देख लेना, उसमें कोई डाउट हो तो वो ले लेंगे, क्योंकि वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो चीज़ हम रिवीजन के टाइम पे भी कर सकते हैं। बाकी इसके आगे के जो थ्योरेटिकल है वो खुद को आपको देखने, जैसे कि हॉरिजॉन्टल शेपिंग, देखो आगे जैसे थ्योरी हॉरिजॉन्टल शेपिंग मीन्स आपको पता है कि किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, इस डायरेक्शन में, मीन्स आपका वर्क पीस अगर ये है तो टूल ऐसे मूव करेगा, दैट मीन हॉरिजॉन्टल। आपसे पूछे कोई वर्टिकल शेपिंग क्या होगी, तो ये आपका टूल वर्क पीस है और टूल यहाँ पे लगा हो तो टूल ऐसे मूव करेगा, ये क्या हो जाएगा, वर्टिकल शेपिंग। क्लियर है? हॉरिजॉन्टल हो गया, शेपिंग हो गया, एंगुलर्स है, एंगुलर्स का मतलब क्या है कि मान लो ये आपका टूल है, वर्क पीस है, तो टूल आपका किस डायरेक्शन में मूव करे, ये टूल हो गया। स्ट्रेट ना होके, वर्टिकल ना होके, किस में डायरेक्शन में कर रहा है, एंगुलर, इस चीज़ को बोला जाता है एंगुलर शेपिंग। तो ये बेसिक बेसिक डेफिनेशन है जो हम करा चुके हैं बार बार। इसमें सिर्फ जैसे हॉरिजॉन्टल की मैं तो हॉरिजॉन्टल मोशन है किसके, टूल की, वर्टिकल है तो वर्टिकल है, एंगुलर है तो एंगुलर है। क्लियर है? इस तरह की ये लिखो, पैरामीटर्स ऑफ शेपिंग। बेटा जी मैंने पैरामीटर के लिए आपको स्टैंडर्ड बता रखे हैं, क्या होते हैं, CFD, कटिंग स्पीड, फीड एंड डेप्थ, दीज आर द स्टैंडर्ड पैरामीटर जिस जिसके बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले किसके बारे में पढ़ते हैं, कटिंग स्पीड। क्या है कटिंग स्पीड? कटिंग स्पीड में क्या होगा, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए शेपिंग टूल अक्रॉस द जॉब ड्यूरिंग द वर्क स्ट्रोक व्हेन द मेटल इज बीइंग कट इज नोन एज कटिंग स्पीड ऑफ शेपर। लिखो इसमें, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए शेपिंग टूल अक्रॉस द जॉब ड्यूरिंग द वर्किंग स्ट्रोक when the metal is being cut is known as cutting speed is known as cutting speed of a shaper। क्लियर है? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, v बराबर होगा आपका ln 1 + k/1000। क्लियर है? अब लिखो वी क्या होता है, वी क्या होगी, कटिंग स्पीड। नेक्स्ट लिखो एल क्या होगी, लेंथ ऑफ रैम। ठीक है, नेक्स्ट लिखो एन, ये क्या, नंबर ऑफ फुल स्ट्रोक। क्लियर है? नेक्स्ट लिखो के, ये क्या होता है, रेशियो ऑफ रिटर्न टाइम टू कटिंग टाइम, टू कटिंग टाइम। जनरली ये 2:3 होता है। क्लियर है? तो 2:3 में, दैट मीन 5।
अब आपको कटिंग स्पीड पूछा एस, तो ये क्या हो जाएगा 5/3 कटिंग स्पीड बराबर क्या होगा 5/3 NL/1000। दैट मीन 1.67 NL/1000। अब आप कहोगे 5/3 कैसे आया, क्योंकि देखो 1+k था आपका और k की जगह आपने क्या रख दिया 2/3, तो इसको रखेंगे 2/3 तो ये कितना आएगा 5/3। कन्फ्यूज मत होना बेटा। नेक्स्ट लिखो स्पीड, तो फीड क्या होता है, रिलेटिव मूवमेंट होता है टूल टू वर्क पीस इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्राइमरी कटिंग मोशन पर फुल स्ट्रोक। तो इसमें लिखो फीड में इट इज रिलेटिव मोशन ऑफ टूल ये परपेंडिकुलर टू द प्राइमरी कटिंग मोशन पर फुल स्ट्रोक। क्लियर है? और एक्सप्रेस किस में की जाएगी, mm पर स्ट्रोक। ओके लास्ट लिखो डेप्थ ऑफ कट, तो आपको डेप्थ ऑफ कट का मतलब कितनी थिकनेस एक बार में रिमूव की जाती है, तो डेप्थ ऑफ कट इज द थिकनेस, इट इज द थिकनेस ऑफ मेटल दैट इज रिमूव्ड इन वन कट, वन कट इज कॉल्ड डेप्थ ऑफ कट। देखो बेटा एक न्यूमेरिकल लिखो सारे बच्चे, इन ए सेपर वर्क द लेंथ ऑफ स्ट्रोक, the length of stroke is 200 mm, number of full stroke n बराबर दे रखा है 30 और k बराबर दे रखा है 2:3। फाइंड स्पीड, सभी बच्चे स्पीड निकाल के बताओ कितनी आएगी, स्पीड निकालो सभी बच्चे, व्हाट इज द स्पीड कमेंट करो। सचिन ठाकुर, ठीक है बेटा। सचिन ठाकुर ठीक है बेटा, 10 मीटर पर सेकंड। और कोई कमेंट जिसका रिप्लाई, कृष्ण सौर 10, वेरी गुड बेटा। इसके अलावा ये ग्रेट इंडिया कौन है,
उमेश, वेरी गुड। रोहित निगम, ठीक है बेटा। अच्छा चलो ठीक है, जिनका हो गया है बेटा। ये आसिफ तुझे समझ में नहीं आता या मैं तुझे ब्लॉक करूं, ये बता दे तू सीधा सीधा। जब मैंने कह दिया क्लास में कोई, जब मैं नया कहूं कोई भी रोल नंबर बच्चा नहीं कमेंट करेगा। और ये प्रदीप बेटा कमेंट क्यों कर रहा है रोल नंबर, तो समझ में नहीं आता क्या तुम्हें, ये बता दो या मैं कमेंट ऑफ कर दूं। जब अच्छा रहेगा या अटेंडेंस से ही तुम इंजीनियर बन जाओगे। अगर अटेंडेंस से इंजीनियर बनते हो तो बेटा सारे तुम में से एक भी ना बने। तुझे डेली समझाता हूँ मैं यहाँ से, है ये तुम्हें जब अच्छा लगता है डिस्टरबेंस क्रिएट करना क्लास में। बेटा वही चीज मैं कह रहा हूँ, फिर पुष्पेंद्र है कोई, डेटेल रोल नंबर नो, क्या दिक्कत है तुझे, या तुझे स्पेशल बोलना पड़ेगा। क्लास तुम्हें लगा नहीं, नहीं नहीं अपनी मर्जी से तुम चलते हो। चलो बेटा अच्छी है जैसा तुम्हारी सोच है, बाकी क्या कर सकते हैं। देखो एल आपको गिवन है 200 mm, एन आपको गिवन है 30 और के आपको गिवन है 2/3। पूछा आपसे स्पीड एस, ठीक है तो फॉर्मूला क्या था, एल एन 1+k/1000, ये था फॉर्मूला। तो वैल्यू पुट कर दो, 200, एन की वैल्यू 30, 1+2/3/1000। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 200 × 30 × 5/3 × 1000। क्लियर है बेटे, देखो 5 से 200 बार और 200 से 200 कट गया, 3 से 10 कटेगा 10 का, तो 10 मीटर पर मिनट, 10 मीटर पर मिनट। तो स्पीड वैल्यू क्या आई आपकी, 10 मीटर पर मिनट, ये आपका रिजल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा एक। देखो देखो शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, एन आपको 36 गिवन है। मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ, नंबर ऑफ, इफ द नंबर ऑफ कंप्लीट स्ट्रोक ऑफ ए सेबर आर 36 per minute एंड द लेंथ ऑफ जॉब इज 300 mm। बेटा संदीप रावत तुझे समझ में नहीं आता, कमेंट नहीं करना अब। और बेटा आप एक आज एक ये बात बता देता हूँ, अगर किसी ने पर्सनल मैसेज किया ना व्हाट्सएप पे, उसी को उसी टाइम ब्लॉक करूँगा, ध्यान रखना। और के आपको 2/3 की बने, वी आपको कैलकुलेट करना, बताओ क्या आएगी भी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी,
सचिन ठाकुर। जिनका ये हो गया बेटा, वो दूसरा क्वेश्चन लिखो। एन आपको गिवन है 27, टी एल आपको गिवन है 27। बिल्कुल 18 मीटर पर सेकंड। ठीक है बेटा, और के आपको गिवन है 2/3। ये क्वेश्चन जिनका हो गया वो ये करो बेटा, जिनका लास्ट वाला क्वेश्चन हो चुका है वो इस सेकंड वाला करो जो मैंने अभी दिया है। एन जिसके लिए 27 है, एल 400 है और 2/3 है, तो वी की वैल्यू निकालो इसके लिए। इसके लिए वी की वैल्यू निकालो बेटा। इसका रिजल्ट बता देता हूँ, सेम प्रोसेस है, रिजल्ट भी सेम है, 18 ही मीटर पर मिनट आएगा इसका रिजल्ट भी। क्लियर है? हेलो बेटा, अभी सभी बच्चे अटेंडेंस बोलेंगे, अपना रोल नंबर कमेंट करो। हरे कृष्ण सौरभ, बिल्कुल ठीक है बेटा। सेवेंटी नाइन 103, डेटल 16, नेक्स्ट। वन जीरो टू डेटल 30, 37, डेटल 28, डेटल 05। डेटल 13, बेटा अब जिन्होंने अटेंडेंस बोली है उन्हीं की अटेंडेंस लगेगी, और जिन्होंने पहले बोली थी दोनों में से जो कॉमन रहेगी वो अटेंडेंस लगेगी। अगर किसी ने एक बार अटेंडेंस बोली है तो नहीं लगेगी।
और बेटा जो बीच बीच में क्लास छोड़ के जाते हैं और सिर्फ अटेंडेंस लगाने के लिए आते हैं तो वो ध्यान रखें, नुकसान आपका हो रहा है, हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा, ना किसी दूसरे बच्चे का नुकसान हो रहा है। थैंक्स टू ऑल।